एक पूर्ण विष्णु तिलक के बारे में आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से जब भाग्य रेखा आपके चंद्र के क्षेत्र से निकल के आती है और हृदय रेखा के साथ जब उनका मिलन होता है और यहाँ पर दो मुखी अवस्था जब विराजमान होती है तो आपके लिए एक पूर्ण विष्णु तिलक की स्थिति का निर्माण होता है। लेकिन इस हथेली के द्वारा आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से एक पूर्ण शनि तिलक की स्थिति इस हथेली में बन पड़ी है और ऐसी स्थिति होने का क्या मतलब होता है। जैसे कि इस हथेली में आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं कि ये बायां हाथ है और इसमें स्पष्ट तौर पे तिलक की स्थिति बन पड़ी है। गुरु का यह पर्वत क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, शनि का यह पर्वत क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और काफी शुभता का सूचना दे रहा है, शुभता की सूचना देने का कार्य कर रही है। इसके ठीक विपरीत अगर हम चलते हैं दाहिनी हथेली में, इसी हथेली के, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की स्थिति भी बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य कर रही है और यहाँ भी एक पूर्ण शनि तिलक की स्थिति का निर्माण होता चला जा रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है? बड़ा सूक्ष्म अंतर है। दोनों के बीच में देखेंगे तो पाएंगे कि जब लेफ्ट हाथ में हम थे तो वहां पर जो हृदय रेखा है जो कि टूटी अवस्था में वहां पर खंडित अवस्था में विराजमान है, उसकी मुख्य शाखा के द्वारा प्रथम रेखा निकली है और द्वितीय रेखा एक जो ये भाग्य रेखा निकल रही है इसके सहयोग से आगे की तरफ बढ़ने का उसने कार्य किया है। लेकिन यहाँ पर इसने एक अलग ही प्रकृति का निर्माण किया है और हृदय रेखा को पूर्ण रूप से अपनी स्थिति में छोड़ के और ये जो भाग्य रेखा गई है यही आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब ये क्या है? यह है कर्म हाथ। वो क्या था? डेस्टिनी यानी कि किस्मत, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध क्या है कि व्यक्ति को व्यक्ति के अंदर जो इमोशन है, व्यक्ति के जो संबंध होंगे, व्यक्ति जहाँ पर पैदा होगा, व्यक्ति का जो खून के रिश्ते रहेंगे, उन सब का संबंध कर रहा है उसके जीवन से, उसकी सोच से, उसकी कार्य योजनाओं से, उसके कार्यक्रम से, हर एक कुछ से उन सबको जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसलिए व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के आभामंडल पर, व्यक्ति के मन मस्तिष्क में हमेशा उसके परिवार के दिए हुए मूल्य, संस्कार, विचार, ये सब कुछ तैरते रहेंगे और उनके आसपास जो चीजें हो रही हैं उनका भी प्रभाव होगा। इन सबके रहते हुए वो जीवन में काफी तेज प्रगति करेंगे, आगे की तरफ व्यक्ति जाने का कार्य करेगा और विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ऐसे व्यक्तियों का जीवन अमूमन अगर जीवन को बहुत गहराई से देखने जाए तो जीवन काफी कष्टकारी होता है। काफी उनका समय ऐसा होता है जब बड़े बड़े दुख और बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में होती है जो कि उन्हें तोड़ के रख देने का कार्य करती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी हारना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप हार जाते हो तो फिर दूसरा और कोई और किसी के जीतने का मतलब ही नहीं रह जाता है। आप पर शनि का प्रभाव है, आप इस दुनिया को बहुत कुछ देने के हिसाब से आते हैं, आप बहुत कुछ प्राप्त करने के हिसाब से आते हैं। आप जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे आपको होना चाहिए। आपकी बेस, आपकी नींव इतनी स्ट्रांग होती है कि जब आप अगर खुद को पहचान जाते हैं और खुद को जानने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जब आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर का जो ऊर्जा पुंज है वो स्वतः जागृत होना शुरू हो जाता है, वो खुलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको खुद का साक्षात्कार होता है, खुद के बारे में आप जान पाते हैं कि वास्तविकता में आप हैं क्या, आपका जन्म किस प्रयोजन हेतु हुआ है, आपका क्या आगे का, किस तरीके से आपका जीवन आपको ले जाना चाहती है, किस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा गुड ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, किस प्रकार आप विभिन्न प्रकार की लौकिक परालौकिक शक्तियों का आभास करेंगे, उन्हें महसूस करेंगे, उन्हें जीने की कोशिश करेंगे और एक नए आयाम को प्राप्त करने की स्थिति आपके लिए बन पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करता है। जब ऐसी कोई भी स्थिति आपके जीवन में आएंगी, आपकी हथेली में आएंगी, आप एक आम व्यक्ति की तरह बचपन से आपकी शुरुआत होगी, लेकिन उन सब के बीच आप पर किसी की निगाह होगी और आप अपने जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे और कोई होगा जो आपके यौन अवस्था में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा होगा, कोई होगा जो आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, आपके अंदर की जो क्षमता है जिसे आप अब तक ना पहचान पाए हैं, ऐसा कोई जामवंत होगा जो आपको बताएगा कि हनुमान जी आपके पास कुछ क्षमता है, आप जागो, बढ़ो और इस संसार के लिए कुछ करो, कुछ कंट्रीब्यूट करो, कुछ कंट्रीब्यूशन दो, क्योंकि आप बस जन्म लेके पढ़ने, खाने, शादी करने, बच्चा पैदा करने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। इसके अलावा भी कुछ काम है जो कि सांसारिक चीज़ों से ऊपर है और जो आपको करना चाहिए, जो कि आप करने के लिए आए हैं, उस दिशा में आप बढ़ेंगे। सांसारिक जीवन भी आपका चलता होता है लेकिन साथ ही लौकिक परालौकिक वैदिक तांत्रिक शक्तियाँ भी आपको प्राप्त होती रहती है, उस क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत होती रहती है और उन चीज़ों को भी आप प्राप्त करने की स्थिति में स्पष्ट तौर पर आगे की तरफ बढ़ते रहते हो। आपके जीवन में ईमानदारी जो सबसे प्रथम जो जरूरत है वो है ईमानदारी की। जिस प्रकार से आप
किसी के साथ भी समरसता का व्यवहार करेंगे और समभाव रखेंगे, आपके लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने का कार्य करेंगे। कितने भी ज़्यादा आप अच्छे कर्म कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ झटके आपको लगते रहेंगे, लेकिन परेशान मत होना, ये झटके ये सांसारिक हैं, ये इस शरीर को प्राप्त हो रहे हैं जो कि नश्वर है। आत्मा आपकी जो है वो तृप्त हो रही है, वो पुष्ट हो रही है, वो बलवान हो रही है, वो परीक्षा लेगी, उस हद तक लेगी जिस हद तक व्यक्ति आत्मसमर्पण न कर बैठे। लेकिन निर्मलता वहीं से शुरू होती है जहाँ समर्पण हो जाता है। एक बार जब समर्पण हो गया, प्रेम प्रस्फुटित होगा, ज्ञान प्रस्फुटित होगा, और फिर उसके बाद आप इन भावों से दूर हो जाएंगे और इस आत्मा को, आपको आपका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, और आप जीवन में उन परिस्थितियों से, उन ताकतों का आभास कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे जिसके लिए आप बने हैं, जो कि आपको सबसे अलग करता है। फिर आपको सांसारिक सुख भी उसी प्रकार से मिलेगा, लेकिन उसमें आपकी कोई भी आसक्ति नहीं होगी, विरक्ति होगी। क्या कुछ ऐसा है जो कि इस जीवन में ही, इस शरीर में ही आप इस दुनिया में ना देख लेंगे? बस देर है तो इनके एक्टिवेट होने की, आपकी हथेली में कब एक्टिवेट होते हैं। जिस दिन से अपना कार्य आरंभ कर देंगे, जिस दिन ये समझ जाएंगे कि आप तैयार हैं उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, आपके अंदर उतनी शक्ति जागृत हो चुकी है, आपको सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को हमारा ये, हमारी ये जो प्रेडिक्शन है उसमें एक अजीब तरीके की कथानक जैसी ऐसी चीज़ें आएंगी मन में कि पता नहीं ये कितना सुपर नेचुरल जैसी चीज़ें हो रही। नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। जिनकी हथेली में है वो अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। इनफैक्ट कि जिनकी हथेली में है उन लोगों को कमेंट करना चाहिए, बताना चाहिए अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन के बारे में बताना चाहिए किस तरीके से उनके जीवन ने हर कदम पे उनकी परीक्षा ली है और फिर भी पीठ पे खड़ी रह के उन्हें जीने को बाध्य किया है और आगे की तरफ लेके चली है। क्योंकि सूरज ढला है लेकिन फिर सुबह निकलेगा, ये अटल सत्य है। बहुत कुछ है इस हथेली में, क्रमवार रूप से, सिलसिलेवार इसकी हम व्याख्या करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे, बताएंगे आपको क्या कुछ आप सीख सकते हैं इनसे, क्या होता है जीवन, क्या होता है प्रारब्ध, क्या होती है जिंदगी। जय श्री राधे।